चलिए दोस्तों, आप तो आज नया टॉपिक एलजबरा। देखिए एलजबरा हम पूरा आपको पढ़ा दे रहे हैं, बल्कि आपका डिमांड था, कुछ बच्चे ने तंग कर दिया था कि मैं एलजबरा पढ़ूंगा, तो मैं उन्हीं के आधार पर कुछ एलजबरा दिखा हूँ कि जैसे आप लोग भी कहीं पढ़े हो, और यहाँ से मैं पढ़ाता हूँ वो भी देख लो, आपने थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेना। तो देखिए क्या है ना कि यूट्यूब पे 100-150 घंटे का वीडियो है और आपको मैं इतना नहीं दे सकता हूँ, क्लियर है। तो देखिए आज जो मैं कुछ टॉपिक उठाया तो अच्छी चीज़, बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन को आप इजी में कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो मैं पहले समझा देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि एलजेब्रा स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखना है ये सवाल है आपका और ये चार ऑप्शन लिया मैंने, ये सवाल है और चार ऑप्शन है। तो अगर इसको मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा तो इसका आंसर जो होगा आपको, अगर ये देखा जाए तो इसका आंसर आप देखो यहाँ पे आंसर ही हो जाए। अब आपको उठता अब मन में आया होगा कि सर आपने तो वीडियो बना रहे हैं, आप तो देख के आया होगा, चाहे ये किया होगा वो किया होगा, तो आप भी देख के कर सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। तो आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे समझना जरा सा। तो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया जो समझा देता हूँ। हमने यहाँ पे दे रखा डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, आपको एक चीज समझना होता है, मैं एक चीज आपको समझाता हूँ। ये डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम है जो आपको मेंसुरेशन में भी काम करता है, ज्योमेट्री में भी काम करता है, एलजेब्रा में भी काम करता है, तो बड़े बड़े सवाल को कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और है, सवाल को मैं थोड़ा समझाता हूँ डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम क्या होता है। जैसे मुझे एक बात बताइए, मुझे अगर ऐसा लिखा हुआ है 7 मीटर × 8 मीटर, 7 मीटर × 8 मीटर, तो इसका मतलब होता है कि जो मेरा रिजल्ट में आएगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर में आएगा रिजल्ट, बोलो, और 7 × 8 मान लीजिए 56 आएगा, बोलो हाँ यार समझ में आ रहा है। इसी को बोलते हैं डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम। मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होता है, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे समझना है, जैसे मैं एक बात बताइए, मैं आपसे यहाँ से एक बात यहाँ पे करता हूँ, जैसे यहाँ पे एक तो ये चीज हुआ डिग्री बेस्ड में क्या होता है, जैसे मान लो ए पे पावर 2, ए पे पावर 3 और ए पे पावर आपका 2, तो इसका डिग्री बेस क्या होता है आपका, घट जाता है ए पे पावर 1, बोलो हाँ या ना। तो जिसके पावर डिग्री में 3 हो और आपका नोमिनेटर में 3 हो और डिनोमिनेटर में 2 हो, मतलब अंश में 3 हो और हर में 2 हो, तो इसका उत्तर 1 डिग्री वाला होगा, क्लियर है, समझ में सबको आ रहा है। अब अगर ये सवाल ऐसे लिखा रहा है जैसे ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी, ऐसा इस तरह से आवे, तो हम इसको कहते हैं 2 डिग्री वाला क्वेश्चन। यहाँ 1 डिग्री 1 डिग्री, तो कितना हुआ 1 × 1। हम लोग सीधा ऐसा नहीं देखेंगे कि दो अलग अलग राशि है, इसका मतलब आप समझेंगे कि 1 और 1 इस पे है और मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब 2 डिग्री वाला उत्तर हुआ, क्लियर है, इसको समझिए। ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 डिग्री वाला। तो समझ में आ गया होगा अब आप लोग को, क्लियर है कि मैं डिग्री किसको बोल रहा हूँ, क्लियर हो चुका है आप लोगों को। तो इसी बेस पर देखिए आपका जो क्वेश्चन था, पहले मैं बना देता हूँ इसको, पहले डिग्री से बना देता हूँ फिर डिटेल भी कर दे दूंगा। जैसे मान लीजिए ये सवाल है, ठीक है, जब ये सवाल है तो इसको आप तोड़िएगा फार्मूला पे, तो आपको इस तरह से आएगा बी क्यू आ जाएगा, ठीक है, बी क्यू और यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी क्यू और सी क्यू आएगा। यहाँ पे देखो पहली बात, यहाँ पे देखो 1 डिग्री 1 डिग्री, क्लियर है, तो मान लो कुछ आपका 2 डिग्री हुआ और इसको जब तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, बी पे पावर 6 डिग्री, मान लीजिए 1 1 2 हुआ ना, और इसको जब तोड़िएगा तो ए भी तो टूट जाएगा ना, बी पे पावर 2 अगर मान लीजिए 3 है तो बी पे पावर क्या होगा, 6 डिग्री। तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि हमारा उत्तर जो होगा 6 डिग्री वाला होगा, हमारा उत्तर होगा जो 6 डिग्री वाला। तो देखो तो यहाँ पे 1 डिग्री इससे गुना होगा तो 1 डिग्री 1 डिग्री से गुना होगा तो क्या होगा, 2 डिग्री, और 2 डिग्री से फिर 1 डिग्री वाला गुना होगा तो 3 डिग्री, और तो आंसर तो मुझे चाहिए कितना, 6 डिग्री वाला, तो ए भी नहीं होगा, ए भी कितना होगा, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। तो पहले आप ए बी से गुना करिएगा तो 1 डिग्री × 1 डिग्री तो 2 डिग्री, और फिर 2 डिग्री × 1 डिग्री 3 डिग्री, ए भी नहीं उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो ए हो गया, देखिए गुना में है तो ए हो गया 3 डिग्री, और हमें चाहिए आंसर कितना, 6 डिग्री वाला आंसर हमारा ये हो गया। बोलो आसान था सवाल को, क्लियर हो गया। तो इसी को हम लोग डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। तो आप बड़े बड़े सवालों को इजी में मार्क कर सकते हैं, एक दो प्रैक्टिस करने के बाद आपको और इजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं डिटेल से बना देता हूं। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपका जो था, एक क्वेश्चन आपको था क्या था, समझिए जरा सा,
एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार था, पहले मैं डिटेल, तो मैं आपको पूरी अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, तो पूरी कॉन्सेप्ट दूंगा, पूरी क्लियर से पढ़ाऊंगा, एक एक क्वेश्चन बेहतर से लूंगा, कैसे आया, क्यों आया, ऐसे क्यों होता है, कहाँ वैल्यू रखना है, कहाँ नहीं रखता है, रखना क्यों रखते हैं। अगर ये सारे चीज़ को जानेंगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे वैल्यू रख दो, यहाँ पे वैल्यू रखो, ऐसी बात नहीं होता है। कहाँ पे रखना है, क्यों रखना है, सब कुछ जानेंगे। तो देखिए, अगर इसको डिटेल से बनाएंगे ना, तो एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का ऑल क्यू बराबर ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस थ्री इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए होता है। ओके, ये फार्मूला होता है, क्लियर है। तो अब एक काम करो, अब यहाँ पे एक बात समझाता हूँ। इस बी प्लस सी को एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो। ओके, तो अब बी सी को मान लिए हो तो क्या होगा, अगर इसको नया फॉर्मेशन देना चाहोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा, हॉल क्यू हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का हॉल क्यू हो जाएगा। यहाँ बी सी को क्या माना, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस जेड क्यू। अब ये फार्मूला पे तोड़ो तो क्या तोड़ोगे, इसको बोलो जल्दी से, क्या लिखोगे, ए क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस क्या लिखोगे, थ्री इंटू एक्स प्लस वाई लिखोगे, फिर वाई प्लस जेड लिखोगे, इंटू जेड प्लस एक्स लिखोगे, फिर माइनस एक्स क्यू लिखोगे, माइनस वाई क्यू लिखोगे, माइनस जेड क्यू। फिर यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, जो आपने माना है तो एक्स बराबर बी सी माना है, तो अब यहाँ पे लौटा दो, देखो क्या होगा। तो थ्री इंटू एक्स का वैल्यू कितना माने हो, बी सी, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी सी, आप प्लस वाई का वैल्यू क्या माने हो, सी ए माने हो। ओके, फिर यहाँ पे देख लो, वाई का वैल्यू क्या माने हो, सी ओ सी ए माने हो, जेड की वैल्यू क्या माने हो, ए बी माने हो। फिर यहाँ पे देखो, जेड की वैल्यू क्या माने हो, ए बी माने हो, और आपका एक्स की वैल्यू क्या माने हो, बी सी माने हो। यहाँ पे देखो, अब यहाँ से दोनों में सी कॉमन है, तो यहाँ से सी कॉमन ले लो तो बच जाएगा, क्या बच जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा। यहाँ से ए कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, बी प्लस सी बच जाएगा। यहाँ से क्या ले लोगे कॉमन, बी कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ए प्लस सी। हमारा उत्तर जो हो गया, देखो हमारा क्या उत्तर हो गया, थ्री ए बी सी, थ्री ए बी सी इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू आपका सी प्लस सी। बोलो यही उत्तर आया था, क्लियर। इतना करने की नहीं, लेकिन हम लोग ये भी जानेंगे, डिटेल जानेंगे, क्योंकि नौकरी इतनी आसान से नहीं मिलती है। आपको हर तरीके आना चाहिए, हर रास्ता आना चाहिए, क्लियर है, तभी होगा। ऐसा नहीं तो मैक्सिमम बच्चे को क्या है, खास करके रेलवे वाले बच्चे को, पुट वैल्यू गेट आंसर, पुट वैल्यू गेट आंसर, वो मास्टर आपको धोखा देता है, क्लियर है। तो हर कॉन्सेप्ट आनी चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ता है, इसी को और समझाता हूँ। देखिए तो दोस्त, मैंने आपको इसको शॉर्टकट बता दिया, पहला ही क्या बता दिया कि कैसे होगा। जैसे इसको मैंने क्या कहा, मैंने जैसे ही दौड़ा, वन इंटू वन टू डिग्री, और टू डिग्री पे पावर थ्री तो सिक्स डिग्री, आंसर क्या होगा, सिक्स डिग्री वाला। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे देखा क्या था, वन डिग्री वन डिग्री वन डिग्री गुना में है तो थ्री डिग्री, फिर वन डिग्री वन डिग्री वन डिग्री इंटू थ्री डिग्री, थ्री इंटू थ्री क्या हो जाएगा, सिक्स डिग्री। ये देखो, आप इससे गुना करोगे तो टू डिग्री, इससे गुना करोगे तो थ्री डिग्री, हमें चाहिए आंसर क्या, सिक्स डिग्री वाला, हमें चाहिए क्या, सिक्स डिग्री वाला। तब यहाँ पे मैंने बता दिया है कि सबसे पहले देखो, हम कभी भी अलजेब्रा बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि तीन चीज़ों पे ध्यान देंगे, पहला डिग्री की बातों पे ध्यान देंगे, दूसरा क्या देखेंगे कि हमारा आंसर किस रूप में है। तो अब जरा सा एक बात और समझ लो, एक ही क्वेश्चन में मैं बहुत सारा चीज़ सिखा देता हूँ आप लोग को, जरा सा एक चीज़ और समझ लो। देखो ये, देखो ये क्या करते हैं, जैसे अब इसको बोलते हैं वेरिएबल, बोलते हैं क्या बोलते हैं, वेरिएबल। मुझे हिंदी नहीं पता वेरिएबल का चर होता है क्या चर, लेकिन समझ जाओगे, एक्स वाई जेड के रूप में है उसको वेरिएबल बोलते हैं, एक्स वाई जेड के वेरिएबल। और आंसर देखिए क्या रूप में, आंसर भी ए बी सी के रूप में, क्वेश्चन भी ए बी सी के रूप में है, आंसर भी ए बी सी के रूप में है। तो हम इसे बोलते हैं कि वेरिएबल टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, वेरिएबल टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। हिंदी वाले बच्चे समझ जाना, वेरिएबल को चर बोलता है कि अचर बोलता है समझ जाना, एक्स वाई जेड को क्या बोलता है मुझे नहीं पता। तो ठीक है, इसको वेरिएबल टू, क्वेश्चन वेरिएबल का, आंसर भी वेरिएबल का है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका वेरिएबल रहा, जैसे ए प्लस बी प्लस सी रहा, और आंसर इस रूप में तीन चार दो ऐसा रहा, आंसर आपका वन इस टाइप में रहा, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल टू कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, वेरिएबल टू न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोल सकते हो आप, न्यूमेरिकल वैल्यू, या इसको बोलते हैं वेरिएबल टू कांस्टेंट वैल्यू, क्लियर है।
तो आ गया होगा। तो वेरिएबल टू वेरिएबल एक होता है और एक वेरिएबल टू कॉन्स्टेंट होता है, समझ में आ गया। तो अब जरा सा समझना, तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको सबसे पहले मैंने कहा डिग्री पकड़ने के लिए, अगर डिग्री पकड़ोगे तो दो दो ऑप्शन ऐसे ही छट जाएगा, मान लीजिए कि दो को और टकराता तब क्या करते, तब क्या करना है समझना है। देखिए ये सवाल आपका क्या दिया हुआ है, ये सवाल आपका जो दे रखा है, ये सवाल आपका दे रखा है किस रूप में दे रखा है, ये सवाल आपका वेरिएबल है और आंसर भी वेरिएबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी डाटा एज्यूम कर सकते हो, आंसर आपका क्लियर आएगा, बस एज्यूम डाटा कोई भी मान लेंगे तो आंसर आ जाएगा, बशर्ते ये ध्यान रखना है कि डाटा अगर आप मानते हो तो उस सवाल को इनफाइनाइट ना करें, सवाल को आप जो सवाल दिया उसको ख़त्म ना ही करें, उसके अस्तित्व में रखें। जरा सा देखिए अब समझ में आता है आपको, अब आप लोग को समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा जरा सा। ठीक है, तो देखिए सवाल को हम क्या करेंगे, जैसे a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 मान लेते हैं, ओके, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 भी मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, a बराबर 1 जैसे, अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को तो थोड़ा सब सॉल्व करिए, जो बच्चे आपको समझना है क्वेश्चन। देखिए बी सी का वैल्यू कितना होगा, 3 × 2 × 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और क्या होगा 2 × 1 आपका सी ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आप प्लस ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 का क्यू यानी 6 × 9 = 11, 11 का क्या होगा 13 = 31 हो जाता है, 11 का क्यू कितना होगा 13 = 31 होता है, ठीक है 13 = 31 हो जाता है। यहाँ पे देखो तो बी सी, देखो कैलकुलेशन काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा करो इसको रहने दो, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि आप ऐसा रख भी सकते हो, अगले क्वेश्चन में ले लूंगा। तो डिग्री बेस्ड क्वेश्चन आपको मैंने इजी कर दिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, जरा सा समझिएगा और बनाइएगा भी, इसको समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए 1 डिग्री 1 डिग्री क्या हुआ, 2 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 डिग्री वाला होना चाहिए। तो इसको देखो 1 डिग्री 1 डिग्री कितना हुआ, 2 डिग्री, और नीचे कितना हुआ 1 डिग्री, तो आप बताइए x पे पावर 2 और x पे पावर 1, तो हमारा उत्तर क्या होगा, x पे पावर 1 ऊपर है 2 डिग्री नीचे है 1 डिग्री, तो 2 डिग्री में से 1 डिग्री घटेगा तो आंसर क्या होगा, 1 डिग्री, और हमें चाहिए आंसर कितना, 2 डिग्री वाला, ये नहीं होगा आंसर, ठीक है। इसको देखिए, इसको अगर आप तोड़िएगा पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर तो ये आएगा, पी स्क्वायर आएगा, 2 डिग्री बनेगा ना, बाकी समथिंग कुछ भी आए, और नीचे कितना भी 2 डिग्री एक स्क्वायर, तो 2 डिग्री में 2 डिग्री कट जाएगा तो आंसर 0 डिग्री, ए भी नहीं होगा आंसर। आइए इसको देखिए, फिर 2 डिग्री में 2 डिग्री घट जाएगा 0 डिग्री, ए भी नहीं उत्तर होगा। अब इसको देखिए, आप यहाँ पे समझना, अब यहाँ पे तोड़ोगे इसको तो क्या होगा, 2 डिग्री इंटू 2 डिग्री, इसको तोड़ोगे तो 2 डिग्री आएगा, इस पे पी प्लस क्यू पे 2 डिग्री आएगा, इंटू 2 डिग्री 4 डिग्री, अब 4 डिग्री में 2 डिग्री घटेगा तो क्या आंसर होगा, 2 डिग्री हो गया मेरा आंसर। बात समझ में आया, क्लियर हुआ, चलिए ठीक है आगे बढ़ो। देखिए तो आपको मैंने डिग्री बेस्ड बढ़ाया, तो अभी घबराना नहीं, मैंने एक सवाल लिया दो सवाल, दम आराम से देखो वीडियो को, देखो एकदम इजी में बनेगा सवाल को, क्लियर है, दम देखते रहना, जो समझाता हूँ समझ। देखो अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि देखो सवाल किसका है, जल्दी बोलो, वेरिएबल, आंसर किसका है, वेरिएबल, तो आप यहाँ मान कुछ भी रख सकते हो। देखो आपका दिया हुआ एक्स बटा पी वाई बटा क्यू जेड बटा बराबर, मान लेते हैं 1/2, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 2, r की वैल्यू 2। तो वेरिएबल टू वेरिएबल क्वेश्चन में आप कोई भी डाटा को मान सकते हैं, क्लियर है, आप जरा सा समझो। अब मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ, मैं वही क्वेश्चन सोल्व करता हूँ जो इजी है, पहले मैं इधर वाला हल्का उठाता हूँ ताकि आपको सोल्व करें। तो आप इसको सोल्व करोगे x into y, तो 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1 = 3, हमारा उत्तर कितना आना चाहिए, 3 उत्तर आना चाहिए। अब ऑप्शन चेक करो, यानी P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 2, Q का वैल्यू 2, R की वैल्यू 2, P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2, तो P की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 × 1 = 1 कितना आ जाएगा, 3, यानी कितना होगा, 4 × 4 = 8 × 4 = 12 = 3 क्या हो गया, 4 गलत हो गया आंसर, हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 3, ये भी नहीं उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, जो हल्का हल्का क्वेश्चन है मैं उसी को उठाता हूँ, देखिए पी की वैल्यू कितना है,
दो, क्यू की वैल्यू कितना है दो, देखो पी की वैल्यू दो, क्यू की वैल्यू दो, आर की वैल्यू दो, तो दो प्लस दो प्लस दो छः, छः का स्क्वायर कितना होगा 36, एक 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 क्या हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा 12, ये भी गलत हो गया, क्लियर है। अब ऊपर वाला चेक कर लो, ऊपर वाला चेक कर लो, ऊपर वाला भी चेक कर लो, देख लो जो हल्का वही चेक, p इंटू एक्स मतलब p, p का मान दो, x का मान एक, p का मान दो, x का मान एक, दो गुना एक दो, फिर q का मान दो, y का मान दो, दो गुना दो एक, दो गुना एक दो, r का मान दो, z का मान एक, दो गुना एक दो, अब बटे p प्लस q प्लस r, p प्लस q प्लस r का मान कितना है दो प्लस दो प्लस दो, दो प्लस दो प्लस दो का स्क्वायर यानी दो प्लस दो प्लस दो सिक्स, सिक्स का स्क्वायर 36 कहाँ आएगा मेरे भाई, यानी कितना होगा 6/36 आएगा, मुझे चाहिए 3, गया खत्म, मजबूरी है कि आपका आंसर यही होगा। कितने भी बड़े सवाल हो देखो एक करके बता देता हूँ, देखो 3 आंसर आ जाएगा, देख लो p प्लस q प्लस r कितना मान है, p प्लस q प्लस r का मान दो दो है, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ax का मान कितना 1, तो 1 हो जाएगा, 1 करिए चाहे नहीं बात पर आके, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर यानी एक एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे p का मान कितना दो, दो का स्क्वायर कितना होगा, दो का स्क्वायर 4, 4 गुना 3, अब बटे दो, अब दो का मान दो तो एड हो गया, p का मान कितना होगा दो, दो का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी 36 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 24, और 24 बटा 6 कितना हो जाएगा 24/8 कितना हो जाएगा 3, बोलो आया कि नहीं आंसर। तो आप वेरिएबल टू वेरिएबल के क्वेश्चन में आप कोई भी डाटा एज्यूम कर सकते हैं, आंसर आपका रेडी होगा, बशर्ते सवाल को इनफाइनाइट नहीं करिए। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में दो बातों पर ध्यान रखना, पहला डिग्री, अगर डिग्री से नहीं हटा तो हम दूसरा वैल्यू को वैल्यू रखेंगे, अगर डिग्री से नहीं हटा तो हम क्या रखेंगे वैल्यू रखेंगे, क्लियर है, आ रहा होगा आप समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आइए देखिए कितने बड़े क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको सी एन डी लगाना पड़ जाएगा, तो सी एन डी लगाना आपको निकालना क्या है 2BC, मतलब 1 डिग्री 1 डिग्री, आंसर कितना होगा 2 डिग्री वाला, बताइए ये 0 डिग्री, इसमें कुछ भी नहीं, इसको 0 डिग्री बोलते हैं, 3/2 को क्या बोलेंगे 0 डिग्री, अगर मान लीजिए 4 है 0 डिग्री, 5 है 0 डिग्री, क्लियर है, कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, तो ये खत्म, 2 डिग्री 2 डिग्री आंसर कितना हो गया 4 डिग्री, ये भी खत्म, 1 डिग्री 1 डिग्री खत्म हो गया, ये भी नहीं होगा आंसर में, हो गया समझ में आ गया होगा, क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ो। आइए देखिए इस सवाल को ध्यान से समझना, 3 डिग्री अगुना 2 डिग्री तब 5 डिग्री, अंश में कितना हो गया 5 डिग्री, अंश में कितना हो गया 5 डिग्री, ठीक है, जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर में कितना हो गया 5 डिग्री, 2 डिग्री अगर इससे गुना होगा 1 डिग्री वाले के साथ तो कितना हो जाएगा 3 डिग्री, यानी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 3 डिग्री, यानी न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, 5 डिग्री में 3 डिग्री घटेगा तो क्या बचेगा 2 डिग्री वाला आंसर होगा, बोलो है ना, तो ये क्या हो गया एक 0 डिग्री 0 डिग्री 1 डिग्री आंसर हो गया, आ रहा समझ में क्वेश्चन को, देख रहे हो कैसे करते हैं क्वेश्चन को, कहाँ वैल्यू रखना है वो भी मैं बताऊंगा, क्लियर हो रहा सबको, आई बात समझ में, करते रहना माथा लगाते रहना तुम लोग इस क्वेश्चन को, तो ऐसा नहीं मैं क्वेश्चन को डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, जब इसका क्लास लेना शुरू करूंगा डिटेल से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो चलो उदाहरण देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आई तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए कितना आसान से कर लोगे, क्लियर है, तो देखो क्या है 3 डिग्री वाला 1 डिग्री वाले से गुना करेंगे तो न्यूमरेटर में कितना डिग्री हो गया, न्यूमरेटर में 4 डिग्री हो गया, 1 डिग्री 1 डिग्री डिनोमिनेटर में कितना डिग्री हो गया 2 डिग्री, अब न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 डिग्री वाला उत्तर हो जाएगा, 2 डिग्री वाला देखो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री गुना में है तो क्या हो जाएगा ये 3 डिग्री का उत्तर हो गया, ये कितने डिग्री का हो गया 3 डिग्री का नहीं होगा, ये 1 डिग्री का उत्तर हो गया 1 डिग्री ये भी नहीं होगा, यानी यहाँ देखो 1 डिग्री 1 डिग्री कितना हो जाएगा 2 डिग्री आंसर हो गया मेरा, ये क्या हो गया 0 डिग्री, बोलो। अब यहाँ पे देखो क्लियर है कॉन्सेप्ट को समझो, तो सारे देखो मेरा क्या है कि मैं सब चैप्टर को और इजी पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे ये एलजेब्रा है कुछ भी नहीं आता एकदम इजी है, तो बहुत सारे सवाल को इजी में क्या है एलजेब्रा का 80% को सब बहुत इजी कर सकते हो, 20% में थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है उसमें भी कुछ थोड़ा सा लगाएगा, तो मैक्सिमम बच्चे मुझसे डरते हैं कि कहीं पढ़ लेंगे तब जाके इनके यहाँ पढ़ने की पढ़ूंगा, ऐसा बात ऐसा मन से भरम निकाल दो तो फिर तो तुम टाइम पास करते हो, कहीं भी सीखो वहीं से सीखो, ऐसा क्यों बोलते हो कि कहीं पढ़ूंगा तब जाके इनके यहाँ समझ में आएगा कहीं पढ़ूंगा, तो ऐसा मन से निकाल दो, तुम्हारी टाइम की बर्बादी होती है पैसे की बर्बादी होती है, तो सही टीचर को पकड़ो, क्लियर है, तो ये देख लो क्लियर है आ रहा समझ में, लोग इसको कैसे करेंगे तो आप
खुद देख लेना या तो कहीं टीचर से पढ़ोगे। क्लियर आ रहा है समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपने भी दिया होगा, आपने कहीं भी पढ़ा होगा, सर बिल्कुल ये क्वेश्चन हर टीचर कराते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, तो आप देखिए इसको सोल्व करिएगा, मान लीजिए इसको तोड़िएगा तो 3 डिग्री वाला उत्तर आएगा। सोल्व करने के बाद क्या आएगा? 3 डिग्री वाला। तो ऑप्शन अगर देखा जाए ये क्या है, 0 डिग्री नहीं होगा आंसर। एक ये क्या है, 1 डिग्री, ये नहीं होगा, दो आंसर होगा। देखो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री या 3 डिग्री, फंस गए। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? तो मैं ऐसे से क्वेश्चन कराऊंगा कि फंसिएगा तो कैसे निकलना है, जो समझिए। तो पहले मैंने तो ये तो तय कर लिया ना कि डिग्री से दो ऑप्शन, तो मुझे छट गया, ऐसा ही छट गया। उसके बाद अब देखिए, अब आप क्या करिए, जो मैं समझाता हूँ, यहाँ पे एक काम करिए आप, जरा सा देख लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब तो देखिए तब क्या करेंगे, हमने क्या कहा था कि क्वेश्चन वेरिएबल है, आंसर भी वेरिएबल है। आप वैल्यू रख सकते हो, आंसर वैल्यू रख सकते हो। मान लीजिए हमने x बराबर मान लिया, हमने x बराबर 0 रख लिया, x बराबर 1 मान लिया, y बराबर 2 मान लिया, z बराबर हमने 3 मान लिया। ओके ठीक है, z बराबर हमने 3 मान लिया, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3 मान लिया, या तो x बराबर -1 कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करोगे इसको तो 3 2 5 1 6 आ जाएगा। अरे वैल्यू रखो यहाँ पे, क्या हो जाएगा 6 का क्यू आ जाएगा माइनस। यहाँ पे रखोगे क्या होगा, x + y 3 x + y 3 3 - 3 यहाँ 3 - 3 0, क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे देखो y + z 3 2 5 5 में से 1 जाएगा 4 -4 का क्यूब। यहाँ पे देखो क्या होगा, z + x 3 1 4 4 में से 2 गया कितना, 2 का क्यूब यानी 216 -64 आपका यहाँ पे आ जाएगा 64 4 8 72। इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया आपका 4 और 11 में से 7 गया, बच जाएगा कितना 4 144। अच्छा बाबू एक काम करो, आप 144 आया है उत्तर, आप 144 एक्स को क्या माने हो, 1, वाई को क्या माने हो, 2 3, तो इसको 1 2 3 में फैक्टराइज करो, 1 × 2 × 3 1 × 3 × 6 3 × 6 से ये माने हो जी। अरे 144 आया है तो क्या 1 2 3 144 में से 1 2 3 को निकाल लो, तो 1 2 3 एक्स, 2 का वैल्यू y, जेड का वैल्यू 3 का वैल्यू z, i × 24 आंसर मेरा हो गया। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, देखिए अब इसको क्या बोलते हैं, जैसे आप एक बात बताइए, आप एक मैं बताता हूं कि आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, वर्क बराबर पढ़ा होगा टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो आप बताइए डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो स्पीड और टाइम के प्रोडक्ट पे। तो इसको बोलते हैं डिपेंडेबल वेरिएबल बोलते हैं, या फिर हिंदी मुझे नहीं पता उसका, क्लियर है मुझे नहीं पता, फिर भी समझ जाओ ना क्या होता है। डी बराबर स्पीड इंटू टाइम, डी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये दोनों के गुणनफल पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको बोलते डिपेंडेबल वेरिएबल। वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी, वर्क किस पे डिपेंड करता है, टाइम एफिशिएंसी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो हमारा ये डब्ल्यू क्या हुआ, वर्क क्या हुआ, डिपेंडेबल वेरिएबल हुआ। फिर से समझ में आ गया हो, उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेबल वेरिएबल। तो बच्चे कभी भी ऐसा आपके पास क्वेश्चन आए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जैसे इसको क्या बोलते हैं डिपेंडेबल वेरिएबल, इन क्या है डिपेंडेबल वेरिएबल है, तो डिपेंडेबल वेरिएबल है, डिपेंडेबल वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको जरा सा समझ लेना। हाँ तो दोस्तों डिपेंडेबल वेरिएबल समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये 2n किस पे डिपेंड कर रहा है, ये दोनों को होता है डिपेंडेबल वेरिएबल बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, जितने भी डिपेंडेबल वेरिएबल होगा उसको आप जीरो कर देंगे, समझ आ रहा है? क्या करेंगे हम उसको, डिपेंडेबल वेरिएबल को जीरो कर देंगे, यानी n बराबर हम क्या कर दिए, जीरो। तो हमारा क्या करेंगे, n बराबर हम क्या कर देंगे, जीरो, यानी l प्लस m बराबर क्या हो गया, जीरो। तो कह सकते हैं l बराबर माइनस m भी कह सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो जैसे ही आपने n को जीरो किया ए खत्म, n को जीरो किया ए खत्म, ये पूरे खत्म हो गया। अरे n को जीरो किए खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, पूरे खत्म हो गया, जब पूरे खत्म हो गया तो आंसर जीरो हो गया। आई बात समझ में, फिर से समझ लो, डिपेंडेबल वेरिएबल को क्या किया हम, जीरो कर दिए, एन को क्या कर दिया, जीरो। तो जीरो किए तो खत्म हो गया, ए खत्म हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसका हम सेकेंड मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड देखते हैं इसको। तो आपको मैंने क्या समझाया कि डिपेंडेबल वेरिएबल को क्या करना है, जीरो कर देना, एन बराबर जीरो किए। तो देखो जीरो बटा समथिंग जीरो, जीरो बटा समथिंग जीरो, इस क्वेश्चन को एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं जरा सा देखो, यहाँ पे क्या करो आप, जैसे आपको ये दिया हुआ है
तो आप एल के जगह 4 रख लो, एम के जगह 2 रख लो, तो 2n यानी n बराबर 6/2 आंसर क्या हो जाएगा, ए क्या आ गया मेरा 3, n की वैल्यू 3 हो गया। आप चाहो तो रख सकते हो, क्यों, क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि एक सवाल हमारे दो तरीके आता है, एक वेरिएबल टू वेरिएबल आता है, एक वेरिएबल टू कॉन्स्टेंट आता है, क्लियर है। तो हम n की वैल्यू कितना रखने वाले, n की वैल्यू अगर 3 रखते हैं, देखो n का वैल्यू 3 है ना जी, l का वैल्यू कितना रखे हो, l का वैल्यू आप 4 रखे हो, m की वैल्यू आप 2 रखे हो, तो 4-3 आप प्लस क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 3 आया है, m माइनस 3, m का वैल्यू क्या रखे हो 2, और n की वैल्यू कितना आया है, n की वैल्यू तुम्हारा 3 आया, ध्यान से देखना, 4-4-3 तो हो जाएगा 3, और यहाँ 2-3-3 जीरो आंसर हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो आप डिपेंडेबल वेरिएबल को जीरो कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा आंसर, इजी तुरंत बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को रखने लगते हैं, 2-1-1 बिल्कुल रखिए, आपको आएगा आंसर, लेकिन क्यों कहाँ पे रखना है जीजी में मैं बताऊंगा इस चीजों को। जरा सा देखिए, हमने क्या कहा, डिपेंडेबल वेरिएबल यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर माइनस सी, हो गया ना, माइनस सी किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे, यानी c को वैल्यू क्या कर देंगे, c हमारा डिपेंडेबल वेरिएबल हो गया, c का वैल्यू क्या रख देंगे जीरो, यानी a प्लस बी बराबर क्या हो गया जीरो, a बराबर क्या हो गया माइनस बी, बोलो हाँ या ना। जब जैसे ही सी को जीरो किए खत्म हो गया, ए खत्म, बोलो क्लियर है, जैसे ही सी को जीरो किए तो खत्म हो जाएगा ना, जीरो गुण समथिंग खत्म हो गया। अब देखो ए बराबर माइनस बी, ठीक है, तुम्हारा क्या दिया, यहाँ पे रखो ए स्क्वायर और बी के जगह रखो ए के, ए बराबर माइनस बी चाहे बी बराबर माइनस ए रखो, बात देखिए ए बराबर बी, बी बराबर माइनस ए, तो यहाँ पे क्या रखोगे, जैसे बी के जगह माइनस ए रखोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2a² / a² खत्म, आंसर हमारा शुरू हो गया, बात समझ में। तो सर मैंने इतना लिख के किया, आपको दिमाग होगा तो ओरल कर सकते हो, कहाँ वैल्यू रखना है जरूरी नहीं, 1-1, 2-1-1 रखे, क्यों रखे हम, मुझे जरूरत नहीं है सवाल को वैल्यू रखने के लिए, क्लियर है, कहाँ पे रखना है मैं वो सारी चीज को बताऊंगा कि जब तकलीफ देना हो। तो देख लो कितना आंसर है, मैंने कुछ नहीं किया, a प्लस बी प्लस सी, हमने किया a प्लस बी माइनस सी, माइनस सी बराबर जीरो, जैसे ही जीरो किया a खत्म हो गया, a खत्म हो गया, बाकी दो बचा, देखिए माइनस बी है, a और b बराबर है, तो माइनस a का स्क्वायर 2a² a स्क्वायर खत्म, मैं इतना लिखता भी नहीं, तो 2a² / a² आंसर मेरा क्या हो जाता है 2, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है क्वेश्चन को। तो आप लोग को बहुत सारे बच्चे को डर लग रहा था कि सर अलजेब्रा पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे, देख लिया, नेक्स्ट देख, आसान क्वेश्चन है, p प्लस क्यू, हम क्या लिखेंगे, p प्लस क्यू बराबर माइनस r, r को क्या कर देंगे जीरो, क्योंकि हमारा क्या डिपेंडेबल वेरिएबल, r को क्या कर देंगे जीरो, r को जैसे ही जीरो के a खत्म हो जाएगा, क्या बच गया, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बच जाएगा, क्या बचेगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बच जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब नीचे क्या बचेगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। आप मुझे एक बात बताओ, तो यहाँ पे क्या है, p प्लस क्यू बराबर जीरो हो चुका है, तो p बराबर माइनस क्यू नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जीरो हो गया ना जी, तो p बराबर माइनस क्यू नहीं कर सकते हैं, तब p और q बराबर है, पी और क्यू बराबर है, तो यानी पी और क्यू के बराबर है, माइनस क्यू का स्क्वायर करोगे तो क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं पी का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4p² 4 पे p पावर 4 हो जाएगा, 4 पे p पावर 4 हो जाएगा, बटे यहाँ पे देखो पी और क्यू बराबर है, बोलो पी और क्यू बराबर है, बोलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी पे पावर 4 आंसर मेरा हो गया, चार क्लियर हो गया, आ रहा समझ में, अलजेब्रा देख लिया। तो मैं दोस्त जो मैं ऑफलाइन में भी बच्चे को बोलता हूँ कि बहुत सारे बच्चे को हो सकता है मेरे पे ट्रस्ट नहीं रखता होगा कि फलाने जगह बहुत भीड़ है तो बहुत अच्छा पढ़ाते, देख लेना कंपैरिजन करके, मैंने तो सिर्फ अभी टेलर दिया है, पूरी बताना बाकी मुझे, बाकी जब बताऊंगा तो झटके लगेगा आप लोगों को, इसलिए क्लियर है। तो बच्चे मेरे, मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों को बताओ, शेयर करो वीडियो को, लोगों को बताओ, किससे भी कहीं भी आपको बेहतर सॉल्यूशन मिलता है, CGL का पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं कि रेलवे वाले सारे बच्चे यहाँ बिहार शरीफ में भरे हुए हैं, मैक्सिमम वही लोग हैं, बस छोटा छोटा तैयारी करते हैं, माइंड खस, 10 साल 5 साल 8 साल में नौकरी होती है, पता नहीं क्या होता है, ठीक है। तो चलिए तो थोड़ा सा शेयर करो और बताना फीडबैक में क्या होता है, क्या चाहिए तुम लोगों को, मुझे कमेंट करना। चलिए कल मिलते हैं, मैं कुछ थोड़ा और लूँगा इस पर कल, ठीक है, बाय।